तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों हर ट्रक मालिक को आज के रेट में ट्रकों के लिए लोड चाहिए होता है, वो लोड बहुत सारे जरिए से आता है। वैसे ही ट्रक मालिक अपने ट्रकों के लोड के लिए आजकल बहुत सारे ऐप पे डिपेंड है। इसी तरह का एक ऐप है जिसके बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूं। ऐप का नाम है एफआरएड। चेन्नई में इस कंपनी जो 2016 में स्टार्ट हुई थी, आज के डेट में इस कंपनी के साथ हजारों ट्रक मालिक जुड़ करके अपने ट्रकों को आसानी से लोड करवा पा रहे हैं। इनका ऐप आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, थोड़ी देर में हम आपको लेकर के चलते हैं प्ले स्टोर पे। पहले हम बता देते हैं कुछ इस ऐप के बारे में जानकारी। दोस्तों ये ऐप आपको आसानी से आपके अपने ट्रकों के लिए लोड अवेलेबल करवा देता है। जहां पे किसी भी ट्रक मालिक के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है गाड़ियों को लोड करवाने के बाद उसका एडवांस और बैलेंस का पेमेंट लेना, वहीं पे ये ऐप के थ्रू आप ट्रक लोड होने के 15 से 20 मिनट के अंदर आपको अपना एडवांस का पेमेंट मिल जाता है। वहीं पर हम बात करते हैं बैलेंस पेमेंट का, जहां पे कि लगभग इस इंडस्ट्री के हर ट्रक मालिक का सरदर्दी होता है कि बैलेंस का पेमेंट मेरा टाइमली नहीं मिल पाता है। तो ये ऐप पे आप पहुंच मतलब कि पीओडी जमा कराने के बाद एक दिन के अंदर आपको अपना बैलेंस का पेमेंट मिल जाता है। बात कर लेते हैं कि कितना ज्यादा ये ऐप जो है वो सिक्योर है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रक मालिक रजिस्टर्ड होते हैं, पहले उनका केवाईसी वेरिफिकेशन होता है, वो सब कुछ मैं आपको अभी एप्लीकेशन पे दिखाने वाला हूं। तो वहां पे सबसे पहले आपको अपने केवाईसी का वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। जब केवाईसी वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप इस प्लेटफॉर्म पे लोड ढूंढ सकते हैं, ट्रक लगा सकते हैं। तो इतना ज्यादा ये प्रोसेस जो है सिक्योर है और सिंपल है कि किसी भी ट्रक मालिक को यहाँ पे आराम से लोड मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे, और बताते हैं कि आप इस ऐप पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से लोड ढूंढ सकते हैं, किस तरह से आपको एडवांस का पेमेंट मिल सकता है, किस तरह से आप पीओडी सबमिट करवा सकते हैं और किस तरह से आपको बैलेंस का पेमेंट मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ जाना अपने मोबाइल पर, ओपन करना यहाँ पे प्ले स्टोर और प्ले स्टोर में सर्च करना है एफआरएड। ये वही ऐप है जहां पे कि आपको लोड मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको दिखेगा, इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ परमिशन आपसे मांगे जाएंगे, वो आपको परमिशन देना है। और परमिशन देने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, और यहाँ पे वो ओटीपी डाल करके आपको अपने ऐप को लॉगिन करना है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है ओटीपी आने में, बट यहाँ पे ओटीपी आने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन में केवाईसी का प्रोसेस। परमिशन देना होता है यहाँ पे, यहाँ पे आपको डालना होता है नाम, पहले नाम डालिए आप अपना। नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको डालना है पैन नंबर, जो भी आपका पैन नंबर होगा। इसके साथ ही यहाँ पे इंटर करना है सिटी, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं या फिर जिस भी सिटी से आप अपने बिजनेस को चलाना चाहते हो, उस सिटी डालना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रक्स वगैरह जो है, नीचे में आपको जो लोगो दिख रहा है वहां से ट्रक्स वगैरह सेलेक्ट करना है। जिस भी तरह के ट्रक्स का आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे बैंक के डिटेल्स मांगे जाएंगे, जो भी आपका बैंक होगा, जहां पे कि आपको अपने एडवांस और बैलेंस का पेमेंट चाहिए होगा। तो जनरली जो बैंक में अकाउंट नंबर होता है, होल्डर का नाम होता है, एफएससी कोड होता है, वो आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है, और इसके बाद जीएसटी की जरूरत नहीं है। अगर जीएसटी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जीएसटी यहाँ पे ऑप्शनल रखा गया है। तो जीएसटी के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने ट्रक्स इंटर करने हैं, जो भी आपका ट्रक होगा वो ट्रक नंबर यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद ये ट्रक्स किस सिटी से अवेलेबल होगा, उस सिटी आपको डालना है, जो भी सिटी होगा वहाँ पे डाल करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसका ड्राइवर का नंबर, जो भी उस ट्रक को ऑपरेट कर रहा है उस ड्राइवर का नंबर क्या है, वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद ट्रक टाइप सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे ट्रक्स हैं, उसमें से जो भी ट्रक का साइज हो टाइप होगा वो सेलेक्ट करना है। इसके साथ आपको यहाँ पे हाइट सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको ट्रक का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मतलब आरसी अपलोड करना है, और इसके साथ ही एड ट्रक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक
ट्रक्स आपका दिखेगा, इसको ग्रीन करना है, जो ये दिख रहा है आप ग्रीन करके यहां पे अब आप अपने डेस्टिनेशन ऐड कीजिए जहां जहां के लिए आपको ये ट्रक लोड करवाना। तो कुछ डेस्टिनेशन मैं यहां पे ऐड करके आपको दिखाता हूं कि कितने सारे लोड जो है चेन्नई से वो सारे डेस्टिनेशन के लिए इस तरह के ट्रक्स का अवेलेबल है। तो ये मैं करके आपको दिखा रहा हूं, सामने से देखिए लाइव ये सारे ट्रक्स दोस्तों आज के डेट में अवेलेबल है। आप डायरेक्ट यहां पे कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कंफर्म करके आप यहां पे ट्रक नंबर और ड्राइवर का नंबर इंटर कर सकते हैं, इससे आपका ट्रक जो है डायरेक्टली असाइन हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस दोस्तों इतना ईजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे कुछ परमिशंस वगैरह देने होते हैं, वो परमिशंस आपको दे करके ड्राइवर का नंबर जो मैं जैसे बताया था आपको कि इस नंबर सर्च करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो वो आप नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ये करने के बाद ये गाड़ी असाइन हो जाता है। तो दोस्तों गाड़ी अब असाइन हो चुका है, अब बात आती है एडवांस की कि आप एडवांस का प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडवांस, लेकिन एडवांस करने से पहले आपको प्रोसेस करने से पहले यहाँ पे कुछ स्टेटस है जिसको कि कंप्लीट करना हो। तो ऊपर में आपको एस इन दिख रहा होगा जिसका मतलब होता है सोर्स इन। तो यहाँ पे आपको सोर्स इन होने के बाद यहाँ पे आपको एल आर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एल आर अपलोड करना है। एल आर यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको इस ट्रक का जो एल आर होगा उसको अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद ये जो रेड में आपको एल आर दिख रहा है ये यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा, मतलब कि आपका जो एल आर है वो अपलोड हो चुका है और फाइनली ये जो है एडवांस के लिए कैपेबल है, मतलब कि अब आपका जो एडवांस है वो प्रोसेस हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वॉलेट लिखा हुआ, जहाँ पे नीचे में आप देख रहे हो आ रहा है, यहाँ पे वॉलेट के थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हो। आप चाहो तो अपने बैंक में डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हो, दोनों ऑप्शन है, तो दोनों में से कहीं पे भी आप पेमेंट ले सकते हो। बाकी जो यहाँ पे एडवांस के जो है स्ट्रक्चर वो आप देख सकते हो, 70 से लेकर के 90% के बीच में आपको पेमेंट मिल जाता है। जो भी यहाँ पे कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है और टेक एडवांस पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो जाता है, 15 से 20 मिनट के अंदर जो एडवांस का पेमेंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बैलेंस पेमेंट का, तो बैलेंस पेमेंट आपको किस तरह से मिल सकता है। तो नीचे में आप देख सकते हो अपलोड पीओडी का ऑप्शन है, तो यहां से आपको जो है पीओडी का प्रोसेस करना है, पीओडी को अपलोड करना है। और इसके साथ ही जो आपके पास हार्ड पीओडी है ये आपको 5 दिन के अंदर सबमिट करना है। सबमिट कहाँ करना, चलिए वो दिखाते हैं। सबमिट करने के लिए ये आपके नियर बाई लोकेशंस है जहाँ पे कि आपको 5 दिन के अंदर हार्ड पीओडी मतलब ओरिजिनल पीओडी विद ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। और सबमिट करने के बाद आपका जो पीओडी है वो वेरिफिकेशन में चला जाता है। ऊपर में आप पीओडी वेरीफाइड करके एक ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे जब ब्लू टिक आ जाएगा मतलब ब्लू निशान आ जाएगा, गोल बनकर के ब्लू का निशान आ जाएगा, इसका मतलब हो जाता है कि पीओडी आपका वेरीफाई हो चुका है और आपका जो पेमेंट है प्रोसेस हो चुका है, मतलब बैलेंस पेमेंट जो प्रोसेस हो चुका है। तो आपका पीओडी सबमिट करने के अंदर जितना जल्दी आप डिलीवरी के बाद सबमिट कर सकते हैं, आपके पीओडी को सबमिट करने के अंदर 1 दिन के अंदर आपका जो है बैलेंस का पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये जो एप्लीकेशन है कितना ज्यादा सिंपल है और यहाँ पे आप यहाँ पे लोड कितने आसानी से ढूंढ सकते हो और कितने सारे लोड यहाँ पे अवेलेबल है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे आप किस तरह से देख लिए हो कि आपको किस तरह से एडवांस का पेमेंट जल्दी मिल जाता है और साथ में बैलेंस का भी जो पेमेंट है वो जल्दी मिल जाता है। तो दोस्तों इस ऐप को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। बाकी किसी भी डिटेल्स पे आप बात करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप वहां पे मेरे से भी डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम रखते हैं इतना तक, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।